Hello students, today we learn subject stat chapter number 2 random variable and discrete probability distribution. Last time अपने section ही का third sum करा था, आज अपने करेंगे 4, 5, 6 और 7, चार sum करेंगे अपने. चलो पहले sum number 4, the probability that a student studying in the 12th standard of science stream will get admission to the engineering branch is 0.3. चलो सबसे पहले इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेने वाले की प्रोबेबिलिटी दी है 0.3. तो P इज इक्वल टू 0.3. तो P 0.3 है तो Q क्या आएगा? 0.7. 1 माइनस 0.3 तो आएगा 0.7. Five students are selected from the students who studied in the stream. Five students select करने के तो n is equal to 5. Find the probability of the event that the number of students admitted the engineering branch is more than the number of students who did not get admission to the engineering branch. मतलब admission लेने वाले student नहीं लेने वाले student करते ज़्यादा होने चाहिए, majority में होने चाहिए. एडमिशन लेने वाले बच्चे जो है वो नी लेने वाले बच्चों करते मेजोरिटी में होने थे, ज्यादा होने थे. एक्स क्या आएगा? अब पांच के अब क्या होते हैं 2.5 से अब जाने का, तो अब क्या आएगा 3, 4, 5. अगर मैं 1 लूंगा तो माइनॉरिटी हो जाएगी, 2 लूंगा तो माइनॉरिटी हो जाएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू 3, 4, 5 लूंगा तो 5 जो नंबर है उसमें मेजोरिटी में रहते हैं. एडमिशन लेने वाले मेजोरिटी में होने चाहिए, नहीं लेने वालों करता तो लेने वाले होंगे 3, 4, 5 तो मेजोरिटी में रहेंगे. अब ये तीन बार सम अपने करना पड़ेगा. पहले फॉर्मूला लिखने का NCH P of X Q of N minus X N pi C. पहले P3 फाइंड करने का pi C3 0.3 की X पावर 3 पावर 0.7 का स्क्वायर. 5 माइनस 3 2 आ जाएगा ना, 5C3 10 होता है, 0.3 का क्यूब 0.027 0.49. सबका मल्टीप्लीकेशन करो, जीरो पॉइंट वन थ्री टू थ्री. T4 फाइंड करने का तो 5C4 0.3 की 4 पावर 0.7 का 1 पावर. पाई सी 4 0.3 की 4 पावर होगी और 0.7 की 1 पावर होगी, ये दोनों का पावर का टोटल n होना चाहिए, 4 प्लस 1 5 तो n हो जाएगा. पाई सी 4 5 होगा, 0.3 की 4 पावर 0.0081 और 0.7 तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0.0283 पाई. अब P5 फाइंड करने का, P5 पाई C5 0.3 की 5 पावर और 0.7 की 0 पावर. पाई C5 का क्या होता है? 1 होता है. 0.3 की 5 पावर 0.00243 0.7 की 0 पावर, कोई की भी 0 पावर क्या होता है? 1 होता है. तो इसका आएगा 0.00243. अब एडमिशन लेने वाले नहीं लेने वाले करते ज्यादा होना चाहिए, उसका आएगा P3 P4 P5 तीनों प्रोबेबिलिटी का टोटल कर देने का 0.1323. P4 का आंसर आया था 0.02852835. P5 का आंसर आया था 0.0243. ये तीनों का टोटल करो 0.16308, मतलब 0.1631 8 है ना, तो एक नंबर अपने ऐड कर देने का तो 0.1631 ये आंसर आएगा. थैंक यू. Hello students, today we learn subject stat chapter number 2 random variable and discrete probability distribution.
लास्ट टाइम अपनों ने सेक्शन ई का सम नंबर 4 करा था, आज अपने करेंगे सम नंबर 5। हियर इज द क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन ओवर अ ब्रिज विल हिट द ब्रिज इज 1/5। मतलब एक प्लेन में से बॉम्ब गिरता है और वो ब्रिज को हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/5। तो P इज इक्वल टू 1/5। अब 1 डिवाइड बाय 5 तो क्या होता है P? 0.2। टू बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द ब्रिज। अब यहाँ पे दो बॉम्ब इनफ है। इफ 6 बॉम्ब आर ड्रॉप ऑन अ ब्रिज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पर ब्रिज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अब टोटल कितने? 6 बॉम्ब है अपने पास, टोटल 6 बॉम्ब है। अब दो बॉम्ब इनफ है, दो बॉम्ब इनफ है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अगर मैं दो डालूंगा तो 20 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और तीन डालूंगा तो, तीन बॉम्ब डालूंगा तो अभी डिस्ट्रॉय होने का है, वापस खड़ा नहीं हो जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 मतलब x की वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5, 6। P 0.2 तो क्यों आएगा 0.8। अब इसमें पांच बार सम करने पड़ेगा अपने P2, P3, P4, P5, P6। ये पांच बार सम करने की जगह पे इसमें क्या नहीं आया? 0 और 1। तो 1 माइनस P0 और P1 मतलब दो ही प्रोबेबिलिटी आने की, P0 और P1, और 1 में से इसको माइनस कर देने का। चलो पहले P0 लाएंगे, अपने फॉर्मूला लिखेंगे NCH POX N माइनस X, N टोटल 6, X 0, P 0.2 इसकी 0 पावर, Q 0.8, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 6C01, कोई भी पावर 01, 0.8 की 6 पावर, जीरो पॉइंट टू सिक्स टू वन। चलो अब P1 फाइंड करने का, P1 6C1 0.2 की 1 पावर और 0.8 की 5 पावर, 6 में से 1 जाएगा तो 5 पावर हो जाएगी। 6C1 क्या होता है? 6, 0.2 की 1 पावर तो 0.2, और 0.8 की 5 पावर 0.3276। इसके तीनों का मल्टीप्लाई करो, 0.3932। अभी दोनों प्रोबेबिलिटी अपने ने फाइंड कर ली, दोनों प्रोबेबिलिटी का अपने टोटल करना है और 1 में से माइनस कर देना है। 1 माइनस P0 प्लस P1, P0 का आंसर आया 0.2621 और 0.3932, ये दोनों का टोटल बोलो 0.6, 1 में से माइनस करो 0.347, ये आंसर आया। थैंक यू।